हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा नहर पार इलाके का नाम बदलकर ग्रेटर फरीदाबाद किए जाने के बाद इलाके के लोग बेहद खुश हैं। बता दें कि दो दिन पहले जब मुख्यमंत्री फरीदाबाद के दौरे पर आए थे तो उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि शहर के नहर पार इलाके को अब ग्रेटर फरीदाबाद के नाम से पुकारा जाएगा। वहीं इस बात की जानकारी मिलते ही नहर पार इलाके के रहने वाले लोग स्थानीय विधायक राजेश नागर के आवास पर पहुंचे और मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है यह नजारा तिगांव के विधायक राजेश नागर के घर का है, जहां आज ग्रेटर फरीदाबाद इलाके के लोग विधायक और मुख्यमंत्री का आभार जताने पहुंचे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल शनिवार को फरीदाबाद दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने नहर पार इलाके को बड़ी सौगात देते हुए उसे ग्रेटर फरीदाबाद का नाम दिया। इसी से खुश होकर लोग स्थानीय विधायक के घर पहुंचे और उनका आभार जताया। वहीं तिगांव के विधायक राजेश नागर ने भी इस मौके पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया और लोगों को विश्वास दिलाया कि इलाके के विकास में किसी भी तरह की कमी नहीं रहने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद लोग बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि अभी तो इस क्षेत्र का नाम ही ग्रेटर फरीदाबाद हुआ है, लेकिन बहुत जल्द इसे वास्तव में ग्रेट बना दिया जाएगा। क्या नाम है? सुभाष शर्मा। सुभाष जी, पहले ये जगह नहर पार के नाम से जानी जाती थी। हाँ जी, अब इसका नाम ग्रेटर फरीदाबाद पड़ा गया है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा हुआ, बड़ी खुशी हुई। ठीक लगा? बहुत अच्छा लगा। उम्मीद भी करते हैं कि शायद आगे कुछ और डेवलपमेंट ज्यादा होगी। आप कौन से सोसाइटी में रहते हैं और हम क्या उम्मीद रखते हैं? देखो, हमें तो उम्मीद पहले भी थी, अब थोड़ा और ज्यादा हो गई है कि कुछ एक्स्ट्रा डेवलपमेंट होंगी, जो रुके हुए हैं वो कार्य पूरे होंगे, यही उम्मीद है। नागर साहब, पहले ये जो नहर पार के नाम से जाना जाता था, कल मुख्यमंत्री जी घोषणा कर गए, कैसा लग रहा है और आगे आने वाले समय में क्या और तरक्की होने वाली है? देखो, अभी हमारे क्षेत्र की एक मांग थी कि भाई हमारे क्षेत्र का कोई नाम नहीं था, यहाँ का नहर पार हमें कहा जाता था। हम जब भी कहीं जाते थे भी कहते थे हम भतौला सेक्टर 82 में रहते हैं, तो लोग ये कहते थे नहर पार। तो ये इसके लिए हमने एक अपने विधानसभा बजट सत्र में एक अपनी मांग रखी थी कि भाई हमें एक जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा है, दिल्ली, पुरानी दिल्ली है, और जैसे गुड़गांव मानेसर हो गया, इस तरह से फरीदाबाद और जो नया हमारा सिटी, नया शहर बस रहा है, उसका नाम ग्रेटर फरीदाबाद रखा जाए। उसके लिए मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं, जो कल उन्होंने इस पर मोहर लगाई। पानी और शिवर के लिए भी एक नई प्लानिंग बनी है, उसके लिए क्या नई आगे की राजनीति रहेगी? देखो, आने वाले समय में पानी की बहुत दिक्कत होने जाएगी, हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा रेजिडेंट, बहुत सारे हाई राइज बिल्डिंग, सोसाइटीज, नए सेक्टर काफी आ रहे हैं, तो उससे पानी की मांग बढ़ेगी। इसलिए हमने मांग रखी है कि भी गंगा से जैसे दिल्ली में पानी दिया जा रहा है, हमें भी ग्रेटर फरीदाबाद और फरीदाबाद को गंगा के पानी से हमें लाइन दी जाए, जिससे आने वाले समय में दिक्कत ना हो। और जो हमारे कुछ रेन्यूवेल के ट्यूबवेल्स हैं वो कुछ बंद पड़े हैं, क्योंकि पानी का लेवल नीचे चला गया, उससे उनके जो मतलब काम नहीं हो रहा है उनपे, तो नए मोटर और नए पंप हमें कुछ लगाया जाए, उसके लिए भी हमने मांग रहे हैं। अब ग्रेटर फरीदाबाद नाम पड़ गया है, काफी सोसाइटियां हैं, इनके लिए कोई पार्क नहीं है, जैसे हर क्षेत्र में पार्क है, उसके लिए क्या कोई आगे मांग रहेगी? एक हम चाहेंगे कि जैसे NIT में भी टाउन पार्क है, सेक्टर 15 में, 12 में टाउन पार्क है, 31 में टाउन पार्क है, नहर पार अभी कोई ऐसा कोई पार्क नहीं है। आने वाले समय में एक मांग रखेंगे कि हमें भी एक टाउन पार्क जैसा एक पार्क यहाँ दिया जाए। और कोई रणनीति है? अब जो उम्मीद जागी है सोसाइटी वालों की, क्या और उम्मीद बढ़ेगी? देखो, यहाँ की डेवलपमेंट के लिए रोड की, सीवर की, पानी के लिए अलग से जो हमारी IDC जो हमारी जाती थी यहाँ से, वो यहाँ पर लगेगी। एक हमारी एक मांग है कि जैसे हमारी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं जो 20 स्टोरी, 22 स्टोरी, उससे ज़्यादा भी है, तो एक हमारे पास फायर ब्रिगेड नहीं है, अगर कोई ऐसा कुछ हादसा होता है तो हमें गुड़गांव से मंगानी पड़ती है। एक हमें अलग से ऐसी एक फायर ब्रिगेड दी जाए जो हाई राइज बिल्डिंग, हाई राइज सोसाइटीज में जाके ऊपर काम कर सके। क्या मानते हैं जो पिछली बार विधायक रह चुके हैं, जो वो काम नहीं कर पाए, आपने कर पा दिया? देखो, हम राजनीति में विकास के लिए आए, काम करने के लिए आए, सेवा के लिए आए, और हम ऐसे ही निरंतर सेवा विकास करते हैं। आप अपना नाम और पूरा परिचय? मेरा नाम निर्मल कुलश्रेष्ठ है, मैं ग्रेट कन्फेडरेशन ऑफ ऑल RWAs ग्रेटर फरीदाबाद का अध्यक्ष हूँ, और पिछले दिनों से हम ग्रेटर फरीदाबाद की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं,
और हमारे साथ मेरे ट्रस्टी SS डुग्गल साहब, रेणु भट्ट। पहले जो है ये जो जगह थी नहर पार्क के नाम से जानी जाती है, कल मुख्यमंत्री जी जो है अपना घोषणा कर गए हैं ग्रेटर फीडर के नाम से, कैसा लग रहा है RW वालों को और क्या उम्मीद रखते हैं अब आने जो विधायकों से? सर, इसके लिए मैं सबसे पहले अपने विधायक, लोकप्रिय विधायक श्री राजेश नागर जी का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने पिछले बजट सत्र में हमारे कहने पर, हमारी मांग पर ये डिमांड रखी थी कि नहर पार का नाम ग्रेटर फरीदाबाद होना चाहिए, और कल मुख्यमंत्री जी ने इस पर मोहर लगाई है। मैं हरियाणा सरकार, अपने विधायक जी मूलचंद शर्मा जी, किशन पाल गुर्जर जी, सबका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इस कार्य में बहुत। क्या कोई और भी नई मांग है? हाँ, हमारी नई मांग रहेगी कि एक जिस तरह से फरीदाबाद मिश्रित प्रशासन है, इसी तरह से ग्रेटर फरीदाबाद MCF बनाई जाए, क्योंकि बहुत वार्ड बन गए हैं, बहुत लंबा एरिया हो गया है, जिससे कि ग्रेटर फरीदाबाद का विकास हो सके। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6,00,000 रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।